क्वेश्चन नंबर 252, प्रूव दैट टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए पहले इसके एलएचएस को लिख लेते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और इसमें हम इस वन को लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और अब हम इसमें सेक थीटा को पहले लिख लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसमें यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और इसके न्यूमरेटर इसमें कॉमन है ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो फर्स्ट टर्म में होगा वन, और सेकेंड वाले टर्म में बचेगा ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और इसके डिनोमिनेटर को हम एज इट इज नोट कर लेते हैं। और फिर इसमें हम इसके इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये होगा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, और इसके डेनोमिनेटर में भी हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। इसमें वन को पहले लिखेंगे तो इससे ये पूरा कैंसिल होगा, सो इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड।